ओम शांति, ओम शांति। पहले तो बहुत बहुत थैंक्स बड़े ऋतिका, बहुत टाइम से इच्छा थी ओवरसीज जाने की और फाइनली पूरी होगी, तो थैंक यू दीदी। तो दो तीन बहुत बड़े बड़े मेरे एक्सपीरियंसेस हुए, एक एक करके सुनाऊंगा। तो पहला ये था कि जब आप कहीं नई जगह पे जा रहे हैं तो दिमाग में ये रहता है कि कोई नई जगह है, नई जगह पे जा रहा हूं, पर जैसे ही मैं एंटर किया गेट से, मेरे को लगा ही नहीं है नई जगह, मेरे को लगा ये घर है। यहाँ पे मैं बहुत बार आया हूँ, तो इतने अच्छे वाइब्स पूरे के पूरे कैंपस के कि पूरी थिंकिंग में ट्रांसफॉर्मेशन हो गई कि ये तो कोई नई जगह है ही नहीं मेरे लिए। दूसरा सबसे बड़ा एक्सपीरियंस ये था, लाइफ को लेके, प्रोफेशन को लेके बहुत सारे डाउट्स रहते थे माइंड में कि ऐसा क्यों वैसा क्यों, बट जैसे जैसे क्लासेस हुई वहां पे मेरे सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो गए। अब माइंड जो है वो डाउटफुल नहीं है, वो क्लियर है कि आपको क्या करना है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर आपकी लाइफ में आपके कोई टारगेट्स हैं तो उसके लिए आपको सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपके पास डायरेक्शंस होनी चाहिए कि मेरे को करना क्या है इस चीज को अचीव करने के लिए। अगर आपके पास डायरेक्शंस नहीं है तो आपकी कोई जर्नी नहीं है, और अगर जर्नी नहीं है तो फिर कोई एक्सपीरियंसेस नहीं है। तो इतने सारे डायरेक्शंस मिले कि कोई डाउट्स नहीं थे माइंड में, वो सारे चीजें क्लियर हो गई वन बाय वन। और तीसरा सबसे बड़ा एक्सपीरियंस यह था कि सुबह उठने की इतनी ज्यादा आदत नहीं थी, क्योंकि लेट नाइट तक काम करते हैं, प्रोफेशन थोड़ा ऐसा है। बट वहां जाके इतना क्लियर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कि आजकल अपने आप ही नींद खुल जाती है सुबह सुबह। तो ये सबसे वंडरफुल बात मुझे लगती है, क्योंकि जिस बैकग्राउंड से मैं आ रहा हूँ, जिस प्रोफेशन से मैं आ रहा हूँ, तो लेट नाइट 12-1 बजे तक काम चलता रहता है, बट बाबा का इतना वंडरफुल एक्सपीरियंस है मेरे को कि मेरा आजकल सारा काम शाम को 6-7 बजे तक ही खत्म हो जाता है। सो दैट सुबह सुबह तुम्हारे पास इनफ टाइम है कि हम रात को भी योग करके सो और सुबह सुबह भी जल्दी उठो। तो इंडस्ट्री ऐसी है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, वहां पे काम कभी रुकता नहीं। पर मेरे फेलो कोलीग्स भी सोचते हैं कि आपका काम इतनी जल्दी कैसे खत्म हो जाता है, 6-7 बजे, हम तो रात भर लगे हैं। तो ये तो इससे ज्यादा वंडरफुल एक्सपीरियंस अभी तक तो मेरे को कोई नहीं हुआ। हालांकि जर्नी बहुत बड़ी है, आगे भी बहुत वंडरफुल एक्सपीरियंसेस होते रहेंगे, बाबा कराता रहेगा। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस वाराणसी का। थैंक यू, ओम शांति।